नमस्कार दोस्तों आप सभी का नियो वर्ल्ड टेक में स्वागत है। दोस्तों एक और लेटेस्ट और बड़ी रिक्रूटमेंट के साथ हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे रेलवे भर्ती की। जी हां दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है एक और बड़ी भर्ती का। दोस्तों यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी, बिना परीक्षा के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों यहां पर महिला पुरुष दोनों कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया की जॉब है, भारत के किसी भी राज्य में आप रहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, ताकि आपके साथ आपके दोस्तों को भी इनकी जानकारी हो और वो भी आवेदन कर सके। और इसी प्रकार लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन दबाएं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरी इस लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की। तो दोस्तों वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे DRMS ऑफिस जबलपुर की तरफ से यह भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यहां पर सिर्फ ऑनलाइन ही आपको इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना है। और टोटल वैकेंसी है 1273 पदों पर, 1273 पदों पर यह वैकेंसी है। और एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो यहां पर जनरल और ओबीसी के लिए यहां पर ₹170 चार्जेस है आवेदन शुल्क के, और यहां पर GST भी जुड़ जाएगा 18%। ठीक है, और SC ST PWD और महिलाओं के लिए, इन सभी कैटेगरी के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है। ये सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स फ्री में आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम यहां पर 15 साल है और मैक्सिमम 24 साल है। और आयु सीमा में छूट भी है जो कि एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST ओबीसी कैंडिडेट्स को दिया जाता है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो अगर आप सिर्फ 10वीं पास भी हैं तो भी आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं, और अगर आप ITI होल्डर भी हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, बिना ITI वाले भी आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, और यहां पर बात करते हैं पोस्ट की। तो यहां पर एक्ट अप्रेंटिस की वैकेंसीज हैं, और यहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो आवेदन जो है 24 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं और 23 जनवरी 2019 इसकी लास्ट डेट है, रात के 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लिंक्स में आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई ऑनलाइन और ऑफिशियल वेबसाइट, तीनों का लिंक आपको हमारी साइट पर मिल जाएगा, और हमारी साइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो आप आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आ जाएंगे। हमने आपको इसकी पूरी जानकारी दे दी है, अब मैं आपको बताता हूं आवेदन कैसे करना है। दोस्तों ये इसका ऑनलाइन पोर्टल है, यहां पर आप आवेदन कर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है, आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है कि आप किस डिपार्टमेंट से आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद में आपको ट्रेड सेलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद में यहां पर आपको आपका पूरा नाम डालना है, आपके पिताजी का नाम डालना है, और यहाँ पर आपको आपका जो लिंग है वो सेलेक्ट करना है कि महिला है पुरुष है, राष्ट्रीयता भारतीय सेलेक्ट करनी है, और धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कौन से धर्म में आप आते हैं वो आपको धर्म सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर, आपकी कास्ट सेलेक्ट करनी है, कैटेगरी कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, SC ST जनरल या OBC से। ठीक है, और यहाँ पर नीचे जाना है, आप अगर भूतपूर्व सैनिक है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन आपको जो लगता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके व्यक्तिगत पहचान चिन्ह डालने हैं, आपके बॉडी पार्ट्स में जो भी आपकी आइडेंटिफिकेशन मार्क है बॉडी पार्ट के वो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं, और यहां पर आपको आपका एड्रेस डालना है। ठीक है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है। ठीक है, और नीचे जाकर के आप देखेंगे तो यहां पर आपको आपकी शैक्षणिक योग्यता डालनी है। ठीक है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहां पर मेंशन करनी है। अगर आप 10वीं पास है तो 10वीं पास डाल दीजिए, अगर आप ITI भी है साथ में तो भी आप ITI यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, प्लस का निशान है, आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर आपको आपकी फोटोग्राफ और हस्ताक्षर कि दोनों ही आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। ठीक है, उसके बाद में फाइनली आपको चेकबॉक्स पर साइन करके आपको इस फॉर्म के लिए सबमिट करना होगा। ठीक है, इस प्रकार आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या शंका हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर टाइप कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों के जवाब देने की। और दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।